मौरी नानी, कितना टाइम, कितना पुराना घर है ये? कितना पुराना घर है ये? हाँ कितना पुराना है? क्या बताए, तब भी थोड़ा सा आइडिया? सवा साल से भी ऊपर है। अब नानी का किचन देखोगे, अब नानी कैसे जाएंगे किचन में दिखाता हूँ। देखो ये किचन में ऐसे झुक के जाना पड़ता है, हमें तो झुक के जाना पड़ता है ना, क्योंकि इसकी हाइट जो है ना बहुत कम है। इसकी हाइट दिखाता हूँ आपको, देखो ये है किचन का दरवाजा, ठीक है ये है किचन है। मेरी हाइट है तो 6 फीट, ठीक है। हाँ जी मेरी हाइट है इस वक्त है 6 फीट की हाइट। अरे बता रहा हूँ पुराने टाइम की क्या चीज़ें होती थी मम्मी, ये यही चीज़ तो बताने वाली लायक होती है। और एक छोटा सा ये सामान सामून रखने के लिए बनाया हुआ, और एक किचन की हाइट देख लो। अब जब हम यहाँ से अंदर जाते हैं ऐसे झुक के जाते हैं, देखो पुराना किचन पुराना होता है ये, देखो मैं झुक के जा रहा हूँ। तो आज भी नानी जो है ना मेरी ऐतिहासिक, मतलब आप बोल सकते हैं कितनी पुरानी चीज़ों में रहते हैं, और आज भी ये मिट्टी की चीज़ें बनी हुई देखो, वैसी की वैसी हिली तक नहीं है ये। नानू होते थे, नानू वहाँ बैठा करते थे हमारे, या यहाँ बैठेंगे बस उनको चाय चाहिए 24 घंटे बाद, मतलब हर 2 घंटे बाद चाय चाहिए। ये अलमारी पुरानी की पुरानी है। नानी कितनी पुरानी अलमारी होनी वाली, ये कितनी पुरानी अलमारी है? क्या अलमारी? तब भी 60 साल हो गए इस अलमारी को। और नानी मेरी कड़ी बहुत बढ़िया बनाती है, मैं कड़ी की डिमांड करी थी, कड़ी नानी आपने बनाई नहीं है ना। और इसमें इसमें ना किसी प्रकार का सीमेंट ना, इसमें ईंट है ना इसमें सीमेंट है, प्योर मिट्टी से बनाया हुआ है इसमें किसी। और गर्मी के टाइम में ठंडा रहेगा, ठंडे के टाइम में गर्म रहेगा। ये है बाथरूम, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग, पुराने बुजुर्ग जो है ना, कोई भी हो, वो पुराना घर छोड़ना पसंद ही नहीं करते। तो नानी को हमने इतना जोर लगा लिया, लेकिन मजा आया कि नानी हमारे साथ चल पड़े। ये देखो नानी ने खुद बनाया हुआ, ये भी नानी ने खुद बनाया हुआ ये। नानी जो बाहर दरवाजे में क्या लिखा होना है कुछ आइडिया? जो परे जो दरवाजा है इस पे क्या लिखा हुआ है? पता नहीं क्या है। अरे मम्मी लिखा हुआ कुछ, श्री राम जी कुछ ऐसी लिखा हुआ है। अच्छा योगेश भाई ले गए लिख के? हाँ दोबारा दिखा देता हूँ कमेंट्स करके, अगर किसी को पता लगेगा तो क्या लिखा हुआ है ये। मौरी इधर आजा बेटा, इधर आ जाओ, जैसी भी तोड़ दी। मौरी इधर आ जाओ, अंदर जाओ, अंदर चलो। तू भी बस नंगे पाँव घुमा हुआ है ना, कोई बात नहीं, आप घूमो नंगे पाँव पापा, अच्छी बात है, अंदर जाओ। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। और ये घर की किचन के साथ ही बिल्कुल आपको जो है छोटा सा खेत है जो नानी ने अपने लायक रखा हुआ है। जब नानू होते थे थोड़ी सी यहाँ भी खेती बाड़ी कर लेते थे, खेत में आपको दिखा नहीं पाऊँगा उनके। ये सर्दी का कोटा रखा हुआ, और ये है जो किचन के बाहर है, यहाँ भी एक छोटी सी विंडो बनाई हुई है एग्जॉस्ट के लिए। तो ये इतना पुराना घर है। और ये, अब आप बोलोगे भाई ये क्या चीज़ है, ये है मीटर का बॉक्स। चलो अभी तो मैं शूज लेके अंदर जा रहा हूँ, नहीं तो नानू होते थे ना शूज हमें बाहर ही उतारने पड़ते थे, लेकिन अब शूज जो है हम खानी, रोटी खानी है। चलो अभी तो शूज हम अंदर उतार रहे हैं, शूज हम बाहर उतार रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हो आप, एप्स? कब बनाए आपने एप्स? एप्स कब बनाए आपने? हाँ है क्या, देखो स्टेटस क्या लगाया हुआ। अरे पुराना घर दिखाना पड़ता मम्मी, ये देखो इतनी पक्की लकड़ है कि इस पे कीड़े भी लग गए, लेकिन मजा ले ये हिल जाए। ओए यार ये देखो, ये है मेरे नानू जो मैं आपको दिखा रहा था नानू, ठीक है। तो नानू एक शान थे हमारे, जब भी हम खुश होते थे यहाँ आने के लिए, नानी ने हर चीज़ जो है ना संभाल के रखी हुई है। देखो बॉटल पता नहीं कितनी पुरानी है, पुराने बक्से इतने, नानी ने एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं रखी हो, है ना। नानी ने सारी पुरानी चीज़ें संभाल के रखी हुई है नानी। पहले गाय होती थी तो पहले घी घू हमें मिल जाता था, ये मिलता ही नहीं है नानी। अब ये बक्से कौन साल पुराने हो? 80 बरसा दे, 80 मतलब 80 साल पुराने, 80 साल पुराने। हाँ कितना, और गर्मी के टाइम पे इतना ठंडा हुआ होगा कि एसी की भी जरूरत नहीं है।
रोटी क्या बनाई? पुरानी चीजें रखी हुई सारी। ये मोर के पंख हमारे को खेतों में ऐसे मिल जाते हैं पड़े हुए। यार एक मोर का पंख ले चलिए वाला, है ना, ले चलेंगे रूम के लिए। क्या तंग तो नहीं करता ये, है नानी, तंग तो नहीं करता ये? जय हो। अरे इसको थोड़ा सा अगर आप नहा गया हुआ, इसको थोड़ा सा कपड़े कुपड़े पहना के ना, मैंने ऊपर मंदिर ले जाना शाम के टाइम। नहीं निकलना हमने अभी, तुझे पता है फिर। नहीं नहीं मैंने मंदिर ले जाना मौर्य सबसे पहले। पिनाश को कपड़े पहनाओ, चलो सैंडल बनाओ, खाना खा के जाओ या आके खाना खाऊं? हाँ देखो नानी 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 मैंने क्या मैंने नहीं खाया कुछ नहीं, प्यागा भगवान कसम बोल रहा हूँ, एक या दो परांठे खाए मैंने सुबह के। देखा नानी ठीक बोल रही है, नानी मेरा सपोर्ट कर रही है। क्या गाड़ी छोड़नी, जेसीबी छोड़नी? अच्छा जेसीबी सुलाई हुई है इसने, तोड़ तो नहीं जेसीबी? मुझे ऐसा लगा तोड़ दी। दिखा जरा, कल इसको जेसीबी दिलाई भाई साहब को, पापा जेसीबी, पापा जेसीबी। अरे यार ये टेम्परी, ये तो ऐसी लग रहा कुछ यार। तुम्हारी जेसीबी तोड़ दी यार आपने, इसमें काम किया आपने? मिट्टी मिट्टी कहाँ ढोई मिट्टी? किधर क्या देखो? अच्छा अच्छा यहाँ मिट्टी डाली आपने। ओके ये देखो आपको अपस्टेयर दिखाता हूँ, सीढ़ी दिखाता हूँ। ये देखो सीढ़ी यहाँ की छोटी गड्डी है। इस सीढ़ी में भी ना लकड़ी है, देखो लकड़ी डाल के इसकी फिटिंग करी है। ये देखो सीढ़ियाँ, ये अब आपको ऊपर का दिखाता हूँ मैं रूम। ये भी सेम चीज़ है, ये देखो यहाँ मैं सोया करता था। ये हमारी खिड़की है, ठीक है। और नानू आ गए बेटा, आ गया। और ये अंदर का कमरा, लाइट है नहीं। ये देखो बहुत पुराने रूम जो बनाए हुए, खिड़की भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी पुरानी खिड़की। हर चीज़ आपको यहाँ पुरानी मिलेगी, मतलब अच्छी लगती है। ये है मेला, बाल दिवस मेला कम्युनिटी मांजू। और नानू, इसमें आपको नानू दिख जाएंगे पुराने टाइम के। देखो क्योंकि नानू जो थे बहुत तगड़े आर्टिस्ट भी थे, मतलब कलाकार तगड़े जिसको बोल सकते। भाई कमेंट्स करके बता देना अगर किसी को कोई चीज़ याद आए तो। ये वाला कमरा है नानू का, नानू बस ज़्यादा नीचे सोते थे यहाँ तो, मैं या मम्मी पापा जब दिल्ली से आते थे तब। ये देखो लकड़ी की अलमारी, इसमें भी पता नहीं क्या रखा होगा। ये देखो पुराने गिलास, पुराने चम्मच। लोगों की गांव में देखो आप बिलीव नहीं करोगे, लोग मतलब बड़े सिक्योर होते हैं गाँव में ना, मतलब गिलास भी देंगे ना तो उसमें निशान लगा के। ये देखो निशान लगाया हुआ उसमें, ताकि गिलास जो है मिक्स ना हो जाएगा, किसी के पास चले भी गए तो पहचान रखते कि भाई गिलास में हमने रेड कलर का पेंट लगाया हुआ है, ये हमारा गिलास है। तो यहाँ ये चीज़ है, बहुत पुरानी अलमारी है। तो ये है नानी का होमलॉक। अभी मैं मौर्य को मंदिर लेके जाऊँगा, वो भी दिखाऊंगा। लाइट ऑफ कर देता हूँ। क्या बोल रहे नानी? हाँ मौरी, हाँ मौरी, चलो फिर नानी रोटी खाते हैं, रोटी खाते इसको मंदिर लेके जाता हुआ। नानी अचार की चीज़ का बनाया हुआ है नानी, अचार की जीरा बनाया हुआ। अरे ये देखो नानू मेरे, कलाकार नानू। नानी क्या बने हुए थे नानू? ये नानू क्या बने हुए थे? अच्छा रामलीला में तो थे ना, ये क्या बनते थे? दशरथ। दशरथ हाँ जी, अच्छा दशरथ। ओके तो अभी मैं लंच कर लेता हूँ, और लंच के बाद मैं मौर्य को जो है ना मंदिर लेके जाऊंगा, ठीक है। मंदिर का ब्लॉग भी बनाऊंगा। फिलहाल ये आपको मैंने पूरा जो नानी का होम ब्लॉग दिखा दिया, पूरी हर चीज़ दिखा दी। किचन का साइज मैंने आपको बता दिया, कितना छोटा किचन था। और फिलहाल अभी यही है, लंच करने के बाद जो है मैं आपसे बात करता हूँ।